नमस्कार मित्रों, एजीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का विषय है वक्री ग्रह। वक्री ग्रह जो उच्च के हो, कैसे हमें पता पड़ेगा कि ग्रह वक्री है या नहीं? तो अगर आप पत्रिका अपनी, जैसे जब आप किसी ज्योतिषज्ञ से पत्रिका बनाते हैं, तो जब आप चेक करोगे तो आपको सब इन डिटेल पता पड़ जाता है कि आपके नक्षत्र क्या है, कौन सा पद है और ग्रह करंट क्या लिखा हुआ रहता है, सी या आर अगर आपके ग्रह वक्री है। अगर कंबस्ट है तो ऐसे अकॉर्डिंगली आपको पता पड़ जाएगा। तो यूजुअली दोस्तों, ऐसे मान्यता रहती है कि अगर आपके उच्च ग्रह है पर वक्री है तो उसका आपको अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। वक्री ग्रह अगर मून पत्रिका में हो तो अच्छे नहीं होते, कभी ग्रह वक्री होते हैं तो अच्छे नहीं होते। क्या ये जो फिलॉसफी है सही है कि ग्रह वक्री होते हैं तब अच्छे इफेक्ट नहीं देते, क्या ये गलत है? इस विषय पे दोस्तों मैं अपना इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, आप ग्रेन ऑफ सॉल्ट से ले सकते हैं। इसका मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत कंप्लीट जानकारी है, बट अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इस वीडियो में मैं अपना वर्जन प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, उच्च ग्रह एग्जॉल्टेशन जिसको बोलते हैं या डिबिलिटी को नीच का बोलते हैं, ये एक चीज है प्लैनेट की ट्रेंड देखने के लिए। जब हम नए नए एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो हम इन चीजों को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं, जितना इन्हें चाहिए उससे ज्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं। क्या ऐसी चीज हो सकती है कि आपके प्लैनेट डुप्लीकेटेड है? जैसे इमेजिन कीजिए, आपका धनु लग्न है, उसमें आपके मकर के जुपिटर हैं और जो डुप्लीकेटेड है, बेसिकली नीच के हैं, पर स्टिल वो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। क्या ये संभव है? या फिर कोई उच्च के प्लैनेट है, जैसे आपका मीन लग्न है और सैटर्न आपके बैठे हैं तुला के अष्टम भाव में, तो क्या सैटर्न आपको बहुत अच्छा फल देंगे? दोस्तों, यहाँ पे जब हम बात करते हैं बहुत अच्छा फल और अच्छा फल नहीं, तो हम हमारी ह्यूमन नेचर के हिसाब से देखते हैं। प्लैनेट्स जो है वो डेमी गॉड्स और एक फॉर्म है, भगवान ईश्वर का एक फॉर्म है। ईश्वर को मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे हो गई, पैसा हो गया, धन कमाना हो गया, बहुत सारी गाड़ियां घर, ये मैटर नहीं करता है। ईश्वर को मैटर करता है सही सीख, जो पंचभूत, जो संपत्ति रहती है हमारी, जो हमारे सत्य बोलना, धर्म के रास्ते पे चलना, अच्छा काम करना, ईश्वर के लिए वो मैटर करता है। तो उच्च के ग्रह क्या हमें देखने चाहिए कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको बहुत पैसा मिलेगा उच्च के ग्रह से? मैंने जो भी किताबें पढ़ी है उसमें मैंने ऐसे तो नहीं देखा है कि अगर आपके ग्रह उच्च के हो तो आपको श्योर शॉट बहुत पैसा मिलेगा। तो ये चीज आज हम, मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, ऐसे बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके मूल पत्रिका में उच्च के ग्रह है तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर वक्री ग्रह है तो वो ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। ये डिफरेंस है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कंपैरिजन में। रीजन इसका एक है, अगर कोई प्लैनेट स्लो मूव कर रहा है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है, और रेट्रोग्रेड प्लैनेट वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो जाए या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो जाए, सभी लोग बिलीव करते हैं कि प्लैनेट स्लो हो जाते हैं। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से देखिए, जब आप कार स्लो ड्राइव कर रहे हो, केयरफुली ड्राइव कर रहे हो, तो आप मोस्ट इफेक्टिव हो, सही है, वर्सेस कि आप कार रैश ड्राइव कर रहे हो, फास्ट ड्राइव कर रहे हो, इसमें आपको ज्यादा कंफर्ट भी नहीं।
है ना, चाहे अभी कार का मैंने एग्जांपल दिया, आप इसमें बाकी भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप बाइक ड्राइव करें या और कोई व्हीकल्स ड्राइव करें। जब आप स्लो जाते हो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा होता है और आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो, चाहे स्लो कैलकुलेशंस करना है आपकी मिस्टेक्स कम होगी, स्लोली पढ़ना है आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे, या ड्राइव करना है अच्छी तरह से ड्राइव करेंगे। सेम चीज प्लैनेट्स के केस में होती है, जब प्लैनेट स्लोली जा रहे हैं कोई राशि के थ्रू तो ज्यादा बढ़िया इफेक्ट दे कंपैरिजन के कि जब वो फास्ट जा रहे हैं। और जब हम मार्स जुपिटर और सैटर्न की बात करें, जब ये प्लैनेट स्लो जा रहे हैं तो ये सन से दूर रहे तो ये इनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि नाइट में वो ज्यादा विजिबल दिखेंगे। तो इसलिए मार्स जुपिटर और सैटर्न को हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। बट जब इनर प्लैनेट्स की हम बात करते हैं, जिनको वीनस और मर्क्यूरी बोलेंगे, वो अलग साइड पे रहते हैं सन के और उनकी रेस ट्रांसमिट होती है सन के थ्रू, तो वो पावरफुल बन जाते हैं। मेरे ख्याल से आरजी कृष्णन जी थे जो काउई कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि वीनस और मर्क्यूरी, इनको कंबस्ट नहीं कहा जाता है जब वो रिट्रो होते हैं। और कमेंट्स के लिए मैं वेलकम करता हूँ, बट ये जो कावी कॉन्फ्रेंस हुई उनके हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन। तो एनीवे पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर प्लैनेट्स रिट्रो है, वक्री है, तो वो वीक नहीं, इनफैक्ट ज्यादा स्ट्रांग है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छी तरह से समझें कि एक प्लैनेट की स्ट्रेंथ और उसकी ऑस्पिशियसनेस के बारे में। एक अगर ग्रह सोचिए आपकी मूल पत्रिका में काफी स्ट्रांग है, बट अगर कोई भी रीजन से ऐसे उन पे अगर दृष्टि प्रभाव है या अच्छी राशि में नहीं है, तो उनके इफेक्ट जो है इनऑस्पिशियस रहेंगे, अच्छे नहीं होंगे। इसमें हम काफी सारे फैक्टर्स देखते हैं, वो आप कोई अच्छे ज्योतिषज्ञ से एनालाइज करा सकते हैं। एग्जाम्पल, लग्न से ये जो लॉर्ड है, प्लैनेट है, उनका कौन से घरों की लॉर्डशिप है इनके पास। जैसे अगर हम धनु लग्न की बात करेंगे तो वीनस हो जाते हैं सिक्स और इलेवेंथ के मालिक, सिक्स के मालिक होते हैं वीनस। तो लॉर्डशिप क्या अच्छी है इनके पास, इलेवेंथ हाउस अच्छा है, सिक्स हाउस क्या अच्छा है, नहीं। इसके अलावा अगर दृष्टि प्रवाह की हम बात करें, जैसे आपके बकरी ग्रह है, एक्सॉल्टेड है, पर उनपे जो है जैसे राहु केतु देव मंगल देव, उनकी अगर दृष्टि आ गई, जैसे अगर गुरुदेव है कर्क के बैठे हैं, मंगल देव ने उनको देख, मंगल मेष राशि में है और मंगल ने अपनी चतुर्थ दृष्टि से गुरु को देख लिया, क्या वो अच्छा माना जाएगा, नहीं, क्योंकि चतुर्थ नीच दृष्टि आ गई। एक और पॉइंट रहता है दुस्थाना लॉर्ड। दुस्थाना लॉर्ड क्या है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। अगर ये स्ट्रांग हो गए तो, क्योंकि पास लॉर्डशिप अच्छे ग्रहों की नहीं है, तो रिजल्ट्स जो देखने में आएंगे वो नेगेटिव रहेंगे। अभी हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ में आपको बताएंगे। आज इस वीडियो में स्टार्टिंग से हमने बताया था धनु लग्न के बारे में, तो धनु का ही हम एग्जांपल लेंगे। तो दोस्तों, धनु लग्न में लॉर्डशिप होती है गुरुदेव बृहस्पति लग्न के मालिक, बृहस्पति लग्नेश ये उच्च के
और वक्री होके अगर 8th हाउस में बैठ गए, ये इंडिकेट करेंगे कि आपकी लाइफ में हार्डशिप ही रहेगी और साइकोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम रहेगी। अभी क्वेश्चन आता है क्यों? बृहस्पति लग्नेश होकर उच्च के होकर रिट्रो होकर आपके 8th हाउस में बैठे हैं तो फिर क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आएगी? 8th हाउस कभी भी अच्छा नहीं माना गया, चाहे आप उच्च के ग्रह लेकर वहां पे बैठ जाए। नो डाउट यहाँ पे हम नीच राजवंश योग की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस एग्जाम्पल के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं कि लग्नेश उच्च के होकर अगर 8th हाउस में बैठे हैं वक्री होके धनु लग्ने के लिए, तो यहाँ पे वो अच्छा असर नहीं है। तो इन जनरल पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एनालाइज करते हैं पत्रिका को, तो इन डिटेल में सारे हाउस लॉर्डशिप कहाँ पे, प्लैनेट्स कहाँ पे, दृष्टि है, उस हिसाब से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज लोगों में बताऊंगा कि जो उच्च का है, जो हम बोलते हैं उच्च के ग्रह, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पे अवस्था दिखाता है प्लेनेट। उच्च के ग्रह जैसे होते हैं, जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल देना है तो बताऊंगा कि अगर आप कोई महल में रहते हैं जो आपके हिसाब से बहुत ही अच्छा, जिस घर की आपको ड्रीम है, आप घर में रहते तो आप बहुत हैप्पी रहो। सेम चीज हो जाती है प्लैनेट्स के साथ। सैटर्न जो है एज एन एग्जाम्पल तुला राशि में उच्च के होता है। तुला राशि का साइन आपको पता है तराजू है, मार्केट प्लेस, तो यहाँ पे न्याय किया जाता है, वो तराजू में बराबर। तो ग्रहों का भी अपना प्रेफरेंस रहता है और वहां पे जाके वो अपने बेस्ट में परफॉर्म करते हैं, वो जागृत अवस्था में रहते हैं। फर्स्ट नियम है जो पाराशर हर समय कहते हैं, जनरल, बहुत ही जनरल है ये। अगर उच्च के ग्रहों के बारे में पाराशर ने ऐसे बताया था कि वो बहुत हाईली इंटेलिजेंट हो जाते हैं, और फर्दर उनकी रीडिंग्स में उन्होंने ये भी बताया था कि जब रेडिएशन के बारे में, बट यहाँ पे क्योंकि हम हमारे टॉपिक पे रहेंगे एग्जॉल्टेड ग्रह और रिट्रोगेट के बारे में, तो एक और एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि जैसे अभी हमने धनु लग्न की बात की, तो धनु लग्न में कर्क के जुपिटर नीच होके बैठ गए, तभी हम बोलेंगे ओ ये तो इसको फिजिकली प्रॉब्लम रहेगी, कुछ होगा ऐसे। सपोज इसके साथ में कुछ भी घटनाएं हो गई, ऐसे बंदे के साथ में से वो सिचुएशन हो गई, कुछ भी लाइफ में हार्डशिप वाली सिचुएशन हो गई। उच्च के ग्रहों की एक खासियत रहती है दोस्त, ये जो चीजों के लिए लेसन्स अच्छे वे में लेंगे। जैसे इनके साथ में काफी हार्डशिप हो गई, तो ऐसा बंदा धर्म कर्म की तरफ चले जाए, जैसे स्पिरिचुअल मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, अच्छे कर्म, अच्छी किताबें पढ़ना, उस चीज में लग जाएगा। ये दिखाता है आपके ग्रहों की इंटरनल स्ट्रेंथ कि कोई भी लाइफ में स्मूथ लाइफ किसी की नहीं होती, पर जब हार्डशिप आती है तब वे आप रिएक्ट करोगे, हर एक का रिएक्शन अलग रहता है, जो इवेंचुअली की फाइनल डेस्टिनी को डिफाइन करता है ना। तो इस केस में कैसे रहता है, ये बंदे की से प्रॉब्लम काफी आएगी पर वो प्रॉब्लम को अच्छे वे में रिजॉल्व करेगा, वो अपने आत्माओं के यहाँ पे लेसन्स लेगा और इवेंचुअली जो सही पाथ है, धर्म का पाथ है, उस पे जाएगा, उसके हेवनली मदद मिलेगी। हाँ जरूर मिलेगी। तो डिफरेंस है कि उच्च के होकर वक्री होना और अगर नीच के होकर ये होना, डिफरेंस रहता है इंटेलिजेंस में। ये आपका प्रारब्ध है, ये आपके कर्मा से जो आप लेकर आए हैं, जिस वजह से आपके ग्रह जो आए हैं उच्च के आ गए, तो जो आपका रिएक्शन करने का जो तरीका रहेगा वो अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉटिक प्लैनेट इंटेलिजेंस से काम कर रहे हैं। तो जो हम बोलते हैं सत्व ज्ञान, तो ये बंदे को जब जब भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे पांडवों को प्रॉब्लम आई थी, वो सत्व ज्ञान की तरफ लीड करेंगे, उनका भी भला होगा और दुनिया का भी भला करके जाएंगे।
दूसरी चीज, डबली रेटेड प्लैनेट्स जो होते हैं, जैसे हमने पहले बात की मटेरियल गेन के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके नीच के ग्रह है तो आपको मटेरियल गेन्स नहीं मिलेगा। मैंने काफी सारी पत्रिकाएं देखी है, उनमें से एक मैंने देखा है, एक जातक के धनु लग्न है, नीचे जुपिटर धन कुटुंब में बैठे, सारे ऐशो आराम, सारे कंफर्ट्स हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था, किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि अगर आपके उच्च के ग्रह हैं तो आपको मटेरियलिस्टिक या वर्ल्डली फ्रूट्स मिलेंगे, अगर आपके नीच के हैं तो आपको वर्ल्डली फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। नहीं, हम यहाँ पे बात करें इंटेलिजेंस लेवल की। जब भी लाइफ में दुविधाएं आएगी, दोनों लोग कैसे रिएक्ट करेंगे उस बारे में, ये चीज आप किसी की भी पत्रिका में देखना। जितने उच्च के ग्रह हैं उनका रिस्पॉन्स देखना, कोई भी हार्डशिप के साथ में ये लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, रिप्लाई देते हैं, वर्सेस जिनके एवरेज या नीच के ग्रह हैं उन लोगों का रिस्पॉन्स देखना। शत बाला और चेष्ट वाला में इनके बारे में काफी बताया है, जैसे इमोशनल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट रहेंगे, रिटो रहेंगे, और उच्च बाला जो है उसमें बहुत इन डिटेल में बताया, जैसे द केस अगर आपको स्टडी करना है तो अगर आप इन चीजों को उठाकर देखेंगे तो और काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा इन जनरल एनालिसिस कि उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह कैसे रहेंगे, और उच्च के ग्रह एग्जॉल्टेड बट रिट्रो, उच्च के ग्रह जो रिट्रो है, माफ कीजिएगा, तो उसका आप कैसे प्रभाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कुछ कमेंट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ऐड करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम रोज नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, अगर आपको कुछ पसंदीदा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज पे जाकर लाइक कीजिए और अपने सजेशन दीजिए कि हम किस विषय पे अपना वीडियो बनाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अब लेते हैं आज्ञा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ में। जय हिंद।